नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीकी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं बुद्धि से संबंधित टॉप 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यहां पर 100 इसलिए लिखा गया है कि ये पार्ट दो है, यानी कि पहले पार्ट में आपको 50 प्रश्न मिल गए हैं, यहाँ पर भी आपको 50 प्रश्न मिलेंगे, यानी कि टोटल आपको यहाँ पर 100 प्रश्न मिलने वाले हैं। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो बुद्धि के यहाँ पर आपको 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। शुरू करते, ज़्यादा समय आप हम खराब नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। शुरुआत करते हैं आज का आपका पहला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं। तो याद रखिएगा, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार बताए हैं। आगे इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। आप कौन कौन से 3 प्रकार, पहला है आपका अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और यांत्रिक बुद्धि, जिसे गत्यात्मक बुद्धि भी कहते हैं। तो यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि और गत्यात्मक बुद्धि, जो गत्यात्मक बुद्धि है इसे यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है। यदि यहाँ पर यांत्रिक बुद्धि भी आ जाए तो आपका सही आंसर होगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार कौन सा नहीं है, तो संवेगात्मक बुद्धि। संवेगात्मक बुद्धि ये थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। कितने प्रकार बताए हैं, 3 प्रकार। तीनों प्रकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपको एक क्यूज के तौर पर प्रश्न दे रहा हूँ कि जो संवेगात्मक बुद्धि है ये किसके द्वारा दी गई, वैसे तो आगे बताऊंगा लेकिन अभी आपको आंसर देना है। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है आपका, बीने साइमन मापनी का जो निर्माण है ये किस वर्ष में हुआ था, 1900 में हुआ था, 1906 में हुआ था, 1905 में हुआ था या फिर 1907 में हुआ था। तो यहाँ पर जो बीने साइमन मापनी का जो निर्माण है ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। एक प्रश्न और पूछा जाता है, वैसे आगे आएगा कि बीने साइमन मापनी में जो पहली मापनी थी या फिर बीने साइमन मापनी में कितने प्रश्न रखे गए थे, तो याद रखिएगा 30 प्रश्न रखे गए थे। कितने, 30 प्रश्न। उसके बाद 49 प्रश्न रखे गए थे, आगे मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान रखना है। आगे प्रश्न पूछा जाएगा तो मैं आंसर नहीं बताऊँ, उसके पहले आपको उसका आंसर दे देना है। तो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है आपका, बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया। पहला परीक्षण कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और दूसरा कब हुआ था, 1908 में। तो ये जो परीक्षण हुआ था इसके अंतर्गत कितने वर्ष तक के बालकों को परीक्षण के लिए रखा गया था, ये पूछा गया है, 13, 12, 11 या फिर 10। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा 13। याद रखिएगा, बीने साइमन स्केल 1908 के अंतर्गत जो 13 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको परीक्षण के लिए रखा गया था। तो पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न, मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया था। यहां पर देखिए, मापदंड पूछा गया है, जो पहला परीक्षण हुआ था वो 1905 में हुआ था लेकिन उसमें मानसिक आयु का प्रयोग नहीं हुआ था। किस में हुआ था, 1908 में। बीने साइमन मापने 1908 में मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था, ये याद आपको ध्यान में रखना है। तो बी वाला विकल्प आपका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, बुद्धि का प्रथम वाचिक सामूहिक परीक्षण। यहाँ पर देखिए, वाचिक सामूहिक परीक्षण आपको बताना है, आर्मी अल्फा परीक्षण, आर्मी बीटा परीक्षण, आर्मी जनरल क्वासिफिकेशन टेस्ट या फिर बीने साइमन परीक्षण। तो यहाँ पर वाचिक सामूहिक परीक्षण के बारे में पूछा गया है, तो वो आपका आर्मी अल्फा परीक्षण होगा, यानी कि पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। जहां पर आपको डाउट लगे आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक का संबंध होता है किससे होता है, बुद्धि से होता है, शिक्षा से होता है, पाठ्य सामग्री से होता है या फिर खेल से होता है। तो विशिष्ट बालकों का जो संबंध होता है वो किससे होता है, बुद्धि से होता है। चलिए अगला प्रश्न है, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन से। भावात्मक बुद्धि, भावात्मक बुद्धि के बारे में पूछा गया है, ये जो शब्द हैं ये देने वाले विद्वान कौन थे, डेनियल गोलमैन, टर्मन, बीने या फिर गाल्टन। तो यहाँ पर देखिए, भावात्मक बुद्धि या फिर इसे आप संवेगात्मक बुद्धि भी कह सकते हैं। तो संवेगात्मक बुद्धि जहाँ पर आ जाए आपका सही आंसर क्या होगा, डेनियल गोलमैन। डेनियल गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है या फिर भावात्मक बुद्धि से पूछे, तो याद रखिएगा, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान कौन थे, डेनियल गोलमैन थे। यहाँ पर पहला प्रश्न मैंने आपसे पूछा था और उसमें पूछा था कि संवेगात्मक बुद्धि किसके द्वारा दी गई है, तो आपका सही आंसर क्या होगा, डेनियल गोलमैन के द्वारा दी गई है।
अगला प्रश्न है, बुद्धि पर वंशानुक्रम का प्रभाव होता है, यह किसके द्वारा कहा गया? ये परिभाषा है, परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? माथुर के, डॉक्टर माथुर के, गेशल के, गॉल्टन के या फिर टर्मन के? राइट आंसर आपका होगा यहाँ पर, बुद्धि पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव पड़ता है ये टर्मन के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न, बहुवादी बुद्धि ज्ञान को अनेक पद्धतियों से प्रदान कर एक से अधिक कौशलों को प्रकट करती है, यहाँ पर जो विचार दिया गया या फिर जो परिभाषा दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? कोहन, हर्बर्ट, गार्डनर या फिर जॉनसन? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये गार्डनर के द्वारा दी गई परिभाषा है। गार्डनर के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने बहुआयामी बुद्धि या फिर उसको जो त्रिआयामी सिद्धांत भी कहते हैं ये किसके द्वारा दिया गया? तो गार्डनर के द्वारा दिया गया है और यहाँ पर जो विचार है ये भी गार्डनर के द्वारा ही दिया गया विचार है। गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए? अभी मैंने आपको बताया गार्डनर ने कौन सा सिद्धांत दिया है, बहुआयामी सिद्धांत दिया है। इन्होंने कितने प्रकार बताए बुद्धि के ये भी आपको पता होना चाहिए, 4, 6, 9 या फिर 10। तो याद रखिएगा गार्डनर ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए हैं? 9 प्रकार बताए हैं। 9 प्रकार कौन कौन से? पहला है भाषाई बुद्धि, दूसरा है तार्किक गणितीय बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक गतिक बुद्धि, 5वां है समगीतिक बुद्धि, 6ठा है व्यक्तिगत आत्मन बुद्धि, 7वां है व्यक्तिगत अन्य बुद्धि, 8वां है प्राकृतिक बुद्धि और 9वां है अस्तित्ववादी बुद्धि। ये 9 प्रकार के इन्होंने बुद्धि के जो प्रकार है वो बताया, तो 9 प्रकार आपको पता होना चाहिए। चलिए, पास एलांग टेस्ट का विकास जो है ये किसके द्वारा किया गया है? अलेक्जेंडर, बिनेट, मार्गन या फिर टेलर? यहाँ पर देखिए पास एलांग टेस्ट के बारे में पूछा गया है, इसका जो विकास है ये किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो विकास है ये WP अलेक्जेंडर के द्वारा किया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यवहारिक बुद्धि का अर्थ है कि बुद्धि संस्कृति का उत्पाद होती है, यहाँ पर जो कथन है या फिर जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? स्टनबर्ग के, वाइगोत्स्की के, सेलोवी के या फिर मेयर के? तो यहाँ पर जो दी गई परिभाषा है ये स्टनबर्ग के द्वारा दी गई परिभाषा है। अगला प्रश्न, बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, जो बीने साइमन परीक्षण है इसके द्वारा किसका मापन किया जाता है पूछा गया है? सृजनात्मक बुद्धि का, अभिवृत्ति का, बुद्धि का या फिर अभी क्षमता का? तो बीने साइमन परीक्षण द्वारा बुद्धि का मापन किया जाता है, किसका? बुद्धि का। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है, जो व्यावहारिक बुद्धि है इसे क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है, अमूर्त बुद्धि कहा जाता है, संज्ञानात्मक योग्यता कहा जाता है या फिर सामाजिक बुद्धि कहा जाता है? तो याद रखिएगा जो व्यावहारिक बुद्धि होती है इसे मूर्त बुद्धि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्त बुद्धि कहा जाता है। सामाजिक नियमों व कानूनों के विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक कहलाता है, सामाजिक नियमों व कानूनों के जो विरुद्ध व्यवहार करने वाला बालक है उसे क्या कहते हैं? पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, जड़ बुद्धि बालक या फिर बाल अपराधी बालक? तो यहाँ पर देखिए जो सामाजिक नियम होते हैं, कानून के विरुद्ध व्यवहार करता है, उस बालक को क्या कहते हैं? बाल अपराधी बालक कहते हैं। तो डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ जो छोटे हैं, कुछ जो गोरे हैं तथा कुछ जो काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तथा कुछ कमजोर हैं, यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किस स्थापित सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर आपको सिद्धांत बताना है किस पर आधारित है। बुद्धि व लैंगिक विभिन्नता पर आधारित है, बुद्धि व प्रजाति विभिन्नता पर आधारित है, व्यक्तिक विभिन्नता पर आधारित है या फिर व्यक्तिक प्रगतिशीलता पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, यदि आप देखेंगे तो ये क्या है? व्यक्तिक विभिन्नता है। तो व्यक्तिक विभिन्नता पर ये आधारित है, व्यक्तिक विभिन्नता सिद्धांत पर ये आधारित है। तो तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, बुद्धि समावेश करती है, किसका करती है? अपसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का, अभिसारी चिंतन का या फिर विचारशील चिंतन का? जो बुद्धि है वो किसको समावेशित करती है पूछा गया है। तो याद रखिएगा ये अभिसारी चिंतन को समावेशित करती है बुद्धि। तो यहाँ पर अभिसारी चिंतन यानी कि तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, शविगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? पुस्तक के लेखकों ने, काफ़ी इंपोर्टेंट पुस्तक के पूछ जाता है। तो याद रखिएगा जहाँ पर शविगात्मक आ जाए आप आंख बंद करके गोलमेन पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि शविगात्मक बुद्धि में जो उन्होंने पुस्तक लिखी या फिर किसके द्वारा यहाँ सिद्धांत दिया गया है शविगात्मक बुद्धि का, तो ये डेनियल गोलमेन के द्वारा दिया गया है। और जो पुस्तक है शविगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों, यहाँ पुस्तक भी डेनियल गोलमेन के द्वारा ही लिखी गई है।
निम्न में से किस मनोवैज्ञानिकों ने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है? हार्वर्ड गार्डनर, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे, डेनियल गोलमैन या फिर उपरोक्त सभी। यहाँ पर पूछा गया है कि किसने कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है, तो याद रखिएगा हार्वर्ड गार्डनर ने भी किया है, जॉन डी मेयर व पीटर साल्वे ने भी किया है और डेनियल गोलमैन के द्वारा भी किया गया है। तो यहाँ पर आपका 69 का सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, तीनों ने ही संवेगात्मक बुद्धि पर काम किया है। बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यहाँ पर पूछा गया है कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यहाँ पर जो कथन है, जो परिभाषा है, ये किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई है? स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, रायबर्न या फिर अल्फ्रेड बी ने। राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा अल्फ्रेड बी ने। याद रखिएगा इंपोर्टेंट यहाँ पर कथन है, बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। यहाँ पर जो बताया गया है, जो कथन है, ये अल्बर्ट बीने के द्वारा कहा गया है। किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता कहलाती है, बौद्धिक क्षमता, अभिक्षमता, आध्यात्मिक क्षमता या फिर सावेगिक बुद्धि। तो यहाँ पर 71 का आपका सही आंसर होगा सावेगिक बुद्धि। याद रखिएगा किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? सावेगिक बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे जाता है? गोलमैन को, मेयर को, पीटर को या फिर थॉर्नडाइक को? तो सभी को पता है कि संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है, ये डेनियल गोलमैन को जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प ही आपका सही होगा। बुद्धि की गुणवत्ता स्नायु तंतुओं की मात्रा पर निर्भर करती है। बुद्धि के मात्रा सिद्धांत से संबंधित यहाँ पर जो कथन दिया गया है, ये किसका है? टर्मन का, थॉर्नडाइक का, स्पीयरमैन का या फिर केली का? तो यहाँ पर जो दिया गया कथन है, ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया कथन है। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा? यहाँ पर देखिए, बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक पूछा गया है। विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण या फिर सांस्कृतिक वातावरण? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा विद्यालय का वातावरण। यहाँ पर देखिए, बौद्धिक वातावरण के बारे में पूछा गया है, तो ये विद्यालय का वातावरण प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है? परिवार में गरीबी, स्नेह का अभाव, कक्षा में नींद आना या फिर पारिवारिक क्लेश? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा कक्षा में नींद आना। याद रखिएगा, जो कक्षा में नींद आना, यह बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला कारक नहीं है। अगला प्रश्न है, भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अभिक्षमता, बुद्धि, व्यक्तित्व या फिर रुचि? राइट आंसर आपका 76 का होगा बुद्धि। याद रखिएगा, भाटिया बैटरी का जो प्रयोग है, ये बुद्धि मापन हेतु किया जाता है। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, ये किसके द्वारा किया गया? अल्फ्रेड बीने के, स्पीयरमैन के, गिलफोर्ड के या फिर थ्रस्टन के? राइट आंसर आपका होगा स्पीयरमैन। द्विकारक सिद्धांत जिसे बोलते हैं, या फिर उसे सामान्य तथा विशिष्ट कारक भी बोला जाता है, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। त्रिकारक के बारे में पूछे कि त्रिकारक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये भी स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको चार सिद्धांत बता रहा हूँ जिसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, त्रितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत, त्रिचापी सिद्धांत और त्रिस्तरीय सिद्धांत। ये ऐसा लगता है कि एक ही सिद्धांत, लेकिन ये अलग अलग सिद्धांत हैं, सभी के अलग अलग वैज्ञानिक हैं। तो मैं आपको एक बार रिपीट करा देता हूँ, पहले जो पार्ट बना उसमें मैंने आपको बताया था, फिर बता देता हूँ। त्रितत्व सिद्धांत पूछे कि त्रितत्व सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। त्रिआयामी सिद्धांत, ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। त्रिचापी सिद्धांत, ये रॉबर्ट स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है। और जो त्रिस्तरीय सिद्धांत हैं, ये केरोल के द्वारा दिया गया है। तो ये चार सिद्धांत हैं जिसमें ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, जो मैंने आपको बताया उसी को आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट हो गया कि सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत, ये या फिर जो द्विकारक का सिद्धांत है, ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया।
बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या कितनी। यहाँ पर देखिए त्रिआयामी सिद्धांत पूछा गया है, तो त्रिआयामी सिद्धांत में अभी आपको बताया किसके द्वारा दिया गया, तो ये गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर बताना है कि इनके अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या उन्होंने कितनी बताई है, 90, 110, 135 या फिर 120। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 120। याद रखिएगा बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारक की संख्या इन्होंने कितनी बताई है, 120 बताई है। स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, ये किसका करता है, सॉरी स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण मापन करता है, किसका करता है, व्यक्तित्व का, बुद्धि का, पढ़ने की दक्षता का या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका यहां पर होगा बुद्धि का। जो स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है ये किसका मापन करता है, तो ये भी बुद्धि का मापन करता है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया। यहाँ पर देखिए डॉक्टर एस जलोटा के द्वारा पूछा गया है कि इनके द्वारा कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया गया है, जो कि इन्होंने कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया था, तो 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए। आगे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको यहीं पर याद कर लेना है, तो कि इनके द्वारा जो परीक्षण है वो कौन सा है, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण है, आर्मी अल्फा परीक्षण है, या फिर चित्रांकन परीक्षण है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, जो कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए होता है। किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, डॉक्टर ए जलोटा के द्वारा प्रतिपादित किया गया। निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं, यहाँ पर देखिए बुद्धि का सिद्धांत कौन सा नहीं है पूछा गया है, एक तत्व सिद्धांत, प्रत्यगमन का सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत या फिर बहुतत्व सिद्धांत। तो यहाँ पर जो प्रत्यगमन का सिद्धांत है ये बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। एक तत्व का जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया, तो ये अल्फ्रेड बीनी के द्वारा दिया गया। द्वितत्व का सिद्धांत और त्रितत्व का सिद्धांत दोनों ही स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया। और यहाँ पर बहुतत्व सिद्धांत, देखिए बहुतत्व सिद्धांत कह लीजिए, बहुकारक सिद्धांत कह लीजिए, बहुखंड सिद्धांत कह लीजिए या फिर मात्रा का सिद्धांत कह लीजिए, सभी एक ही सिद्धांत हैं। उसके प्रतिपादक कौन है, थोर्नडाइक, कौन है, थोर्नडाइक है बहुतत्व सिद्धांत के। तो इनके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक है वो कौन थे, केटेल, थोर्नडाइक, वर्नन या फिर स्किनर। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा केटेल। याद रखिएगा बुद्धि के तरल क्रिस्टली प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे वो केटेल होंगे। बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण है, 5 है, 4 है, 8 है या फिर 7 है। तो याद रखिएगा बुद्धि मापन के भाटिया बैटरी में जो परीक्षण होंगे, जो उप परीक्षण होंगे वो कितने होंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, 5 होगी। अब 5 कौन कौन से, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहला है पैटर्न ड्राइंग परीक्षण, दूसरा है कोहस का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, तीसरा है चित्र निर्माण परीक्षण, चौथा है अलेक्जेंडर पास परीक्षण और पांचवा है अंकों के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण। ये 5 प्रकार के इन्होंने उप परीक्षण दिए हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहला वाला विकल्प भी आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि की संरचना मॉडल के विषय वस्तु का नहीं है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया आपसे, शाब्दिक है, आकृतिक है, संज्ञान है या फिर सांकेतिक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा कितने आयाम दिए थे, देखिए गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया है, तो मैंने अभी आपको बताया था बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत या फिर बुद्धि संरचना का जो सिद्धांत है वो गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। इन्होंने 3 घटक या फिर 3 आयाम बताए हैं, कौन कौन से, सक्रिया जिसे प्रक्रिया भी कहते हैं, विषय वस्तु जिसे अंतर वस्तु भी कहते हैं, और तीसरा है उत्पाद जिसे परिणाम भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए शाब्दिक, आकृतिक और संज्ञान, ये तीनों ही इन्होंने जो बुद्धि का संरचना मॉडल दिया है उसके विषय वस्तु हैं। मैं आपको बता दूं सक्रिया विषय वस्तु और उत्पाद के अंतर्गत ही शाब्दिक, आकृतिक और संज्ञान इनके अंतर्गत ही आते हैं, सांकेतिक नहीं आता है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सांकेतिक होगा। अगला प्रश्न है बालकों की बुद्धि को मापने के लिए पहला बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, बीने, वेस्लर, स्टनबर्ग या फिर केटल। तो यहाँ पर आपका 85 का सही आंसर होगा अल्फ्रेड बीने। बालकों की बुद्धि को मापने के लिए जो पहला बुद्धि परीक्षण किया गया था ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा किया गया था। अल्फ्रेड बीने कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। कौन सा सिद्धांत दिया था, एक तत्व का सिद्धांत या फिर एक कारक का सिद्धांत या फिर एक सत्तात्मक सिद्धांत, ये जो सिद्धांत हैं ये अल्फ्रेड बीने के द्वारा दिया गया। चलिए
अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड द्वारा प्रतिपादित बौद्धिक संरचना के मॉडल में प्रारंभ में कितने तत्वों को सम्मिलित किया गया। देखिए ये प्रश्न मैंने पहले भी बताया था, यानी कि ये इसका जो उत्तर है 100 होगा, 120 होगा, 200 होगा या फिर 150 होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो 120 होगा। जो संरचना मॉडल था ये 5×4×6 होगा, यानी कि 5×20 20 छंकी 120, यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा 120 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किस आयु वर्ग के बालक पर करते हैं, 11 वर्ष से 16, 12 वर्ष से 15, 5 वर्ष से 10 या फिर 10 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पर भाटिया बुद्धि परीक्षण का प्रयोग के बारे में पूछा गया है। राइट आंसर आपका होगा 11 वर्ष से 16 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, उन पर प्रयोग किया जाता है भाटिया बुद्धि परीक्षण का। तो पहला वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही होगा। निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती। यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रश्न पूछा गया, चारों विकल्प को बदल दिया गया है। बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रदर्शित नहीं करती, शारीरिक गत्यात्मकता, भाषाई, संगीतात्मक या फिर सांस्कृतिक। राइट आंसर यहाँ पर होगा आपका सांस्कृतिक। याद रखिएगा बुद्धि गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को जो प्रदर्शित नहीं करती है वो सांस्कृतिक नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यताओं का निम्न में से किस क्रम में नामांकन किया गया है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था गिलफोर्ड ने कौन सा सिद्धांत दिया गया है, त्रिआयामी सिद्धांत दिया गया है। इन्होंने तीन आयाम बताए हैं, लेकिन क्रम वाइज यहाँ पर आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए पहला नंबर पर आपका आता है समक्रिया, दूसरे नंबर पर समघटक और तीसरे नंबर पर उत्पाद। तो ये जो क्रम है ये आपका सही होगा गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना प्रतिरूप में प्राप्त योग्यता के अनुसार। तो यहां पर आपका जो सही आंसर होगा वो पहला वाला होगा। बुद्धि समवर्धिक चिंतन है, यहाँ जो कथन है ये किसके द्वारा दिया गया, वेस्लर, बर्ट, स्पीयरमैन या फिर स्टोटर्ड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा जो दिया गया कथन है ये स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया कथन है। गेरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है, 2, 3, 4 या फिर 5। गेरिट ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ गेरिट के बारे में पूछे या फिर थोंडाइक के बारे में पूछे, दोनों ने ही तीन प्रकार की बुद्धि बताई। कितने प्रकार की बुद्धि बताई है, तीन प्रकार की, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, दोनों ने ही बताई है। तो याद रखिएगा गेरिट के बारे में पूछे या फिर थोंडाइक के बारे में पूछे, दोनों ने ही तीन प्रकार की बुद्धि बताई है, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैसे इसका सही आंसर आपको पता चल ही गया होगा, कितनी बुद्धि का उल्लेख किया है, तीन बुद्धि का उल्लेख किया है। अमूर्त बुद्धि वाले बालकों की रुचि होती है खिलौनों को तोड़ने में होती है, खिलौनों को जोड़ने में होती है, पुस्तक पढ़ने में होती है या फिर सबके साथ मिलजुल कर रहने में होती है। अमूर्त बुद्धि वाले बालक के बारे में पूछा गया है, तो इनकी जो रुचि होती है ये पुस्तकें पढ़ने में होती हैं। तो तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। बिने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या थी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया था कितनी थी प्रश्नों की संख्या, 30, 40, 50 या फिर 90। तो शुरू में मैंने आपको बताया था कितनी थी, 30 थी। बिने साइमन परीक्षण 1905 में प्रश्नों की संख्या कितनी थी, 30 थी। तो पहला वाला जो विकल्प होगा वो आपका सही होगा। बुद्धि रिक्त स्थान है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है, अर्जित है, सामाजिक है, व्यक्तिगत है या फिर जन्मजात है। तो बुद्धि जन्मजात है किंतु इसका विकास वातावरण में होता है। तो डी वाला विकल्प आपका सही होगा। उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला का जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया, झिंगरन के, मिश्रा के, भाटिया के या फिर राय चौधरी के। तो ये जो उपलब्धि परीक्षण श्रृंखला है इसका जो निर्माण है ये डॉक्टर C.M. भाटिया के द्वारा किया गया। भाटिया बुद्धि परीक्षण सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, निष्पादन बुद्धि परीक्षण है या फिर उक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर आपका 96 का होगा, निष्पादन परीक्षण। याद रखिए जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है ये निष्पादन परीक्षण होगा। अगला प्रश्न है, भाटिया बुद्धि परीक्षण कितने वर्ष के बालकों के लिए था। यहाँ पर जो भाटिया बुद्धि परीक्षण है वैसे इसका आंसर मैं पहले भी बता चुका हूँ थोड़ी देर पहले, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आप डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, 11 से 16, 3 से 8, 8 से 11 या फिर 12 से 18। तो मैंने इसका आंसर थोड़ी देर पहले ही बताया था, 11 से 16 वर्ष। भाटिया बुद्धि परीक्षण ये 11 से 16 वर्ष तक के बालकों के लिए होता है। बुद्धिलब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था, विसर्जन का मतलब ये अंतिम जो बुद्धिलब्धि है वो कौन सा है, वेस्लर,
वेलेक्यू परीक्षण है, स्टैनफोर्ड बीने संशोधन है, स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1916-1937 है, या फिर बीने साइमन स्केल 1908 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ज़्यादा वर्ष का है वही विसर्जन होगा, बुद्धिलब्धि विसर्जन। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड बीने संशोधन जो 1937 में हुआ था, संशोधन हुआ था, ये विसर्जन यानी कि अंतिम था बुद्धिलब्धि। तो यहाँ पर स्टैनफोर्ड बीने संशोधन 1937 आपका सही आंसर होगा, बी वाला विकल्प आपका सही होगा। बुद्धि नई और विभिन्न परिस्थितियों में अच्छी प्रकार से समायोजन की योग्यता है, यहाँ पर जो कथन है, यहाँ पर जो परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई, वेगनन के, क्रूज के, कॉलविन के, या फिर बकिंगम के। तो यहाँ पर जो आपका 99 का आंसर होगा वो क्रूज होगा, जो दी गई कथन है, जो दिया गया कथन है, ये क्रूज के द्वारा दिया गया कथन है। अंतिम प्रश्न, वैसे यदि आपका इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो आगे मैं इसी चालू कर दूँगा, यानी बुद्धि के और भी प्रश्न लेकर आऊँगा। वैसे तो टॉपिक वाइज आपको प्रश्न मिलेंगे, लेकिन बुद्धि के और भी मैं और इससे जो टफ प्रश्न हैं और अच्छे जो प्रश्न हैं वो भी मैं साथ में लेकर आऊँगा, यदि इस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर किया, ज़्यादा लाइक किया और ज़्यादा इस वीडियो पर आपका प्यार मिला। तो यहाँ पर देखिए अंतिम प्रश्न है आपका, द्वितत्व सिद्धांत के अनुसार स्पीयरमैन ने बुद्धि का कारक नहीं बताया, किसको नहीं बताया है, सामाजिक योग्यता को, असामान्य योग्यता, विशिष्ट योग्यता, या फिर उपरोक्त सभी। तो द्वितत्व सिद्धांत में सामान्य योग्यता और विशिष्ट योग्यता को बताया गया है, सामाजिक योग्यता को नहीं बताया गया है। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प भी आपका सही होगा। तो यहीं पर आज के जो 50 प्रश्न थे वो यहीं पर समाप्त होता है पार्ट दो बुद्धि का। आने वाले समय में हम ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।